नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत करने के एक दिन बाद उन्होंने वर्चुअल माध्यम से ये संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने परिधि गृह हमीरपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साथियों, जब हम आज के बजट की चर्चा करेंगे तो सापेक्ष भी होती है, कुछ तो पुरानी बातों की तुलना करेंगे तब पता चलता है। बीते 7 वर्षों में जो निर्णय लिए गए, जो नीतियां बनी, पहले की जिन नीतियों में गलतियों को सुधारा गया, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। जैसे समाज की भलाई के लिए सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है, वैसे ही देश की भलाई के लिए भी देश का संतुलित विकास भी जरूरी है। हमने आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अभियान शुरू किया था। इन जिलों में गरीब की शिक्षा के लिए, गरीब के स्वास्थ्य के लिए, गांव की सड़कों के लिए, बिजली पानी के लिए जो काम हुए उसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र ने भी की है। अब इस बजट में घोषणा की गई है कि आकांक्षी जिलों में राज्यों के साथ मिलकर आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम चलाया जाएगा, यानी उसे और नीचे ले जाया जाएगा, यानी विकास का लाभ आखिरी छोर तक पहुंचाने का एक वैज्ञानिक तरीका है और धन का सदुपयोग करने का, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का और फोकस एक्टिविटी करने का ये रास्ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर जरूरी सुविधाएं पहुंचे, इस पर सरकार का जोर है। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, केंद्रीय बजट बहुत बेहतरीन आपकी बात जो प्रस्तुत हुआ है उस पर प्रधानमंत्री जी ने और चीज़ों को लेकर के डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति के माध्यम से, चाहे वो नेशनल हाईवेज हैं, फोर लेन्स हैं, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी की बात करें, रेलवे की अगर हम बात करें, और उसके साथ जो हमारे दूसरे जल मार्ग के माध्यम से जो है वो कनेक्टिविटी की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस अब किया है। और उन सारी चीज़ के कारण, क्योंकि कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो स्वाभाविक रूप से विकास की संभावनाएं और ज़्यादा उसमें जो है वो तेजी से आगे बढ़ती है। और दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो जिसका जिक्र उन्होंने किया कि जल ही जीवन, हम जिक्र तो करते हैं लेकिन वो भाषण देने से नहीं संभव हो पाएगा, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि चाहे कितने भी कठिन परिस्थितियों में कोई आदमी रहता हो, उनके घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचे, इस पर फोकस किया है। एक तो दूसरी बात, एक बहुत पर्वतमाला, एक नया कॉन्सेप्ट जो प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में शामिल किया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस कॉन्सेप्ट को प्रधानमंत्री जी के समक्ष और वित्त मंत्री जी के समक्ष जो है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने रखा, और आज हिमाचल प्रदेश का उन्होंने जिक्र भी किया। क्योंकि एक दिन हम जब रिव्यू में बैठ करके हम बातचीत कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि हमारी पंचायतें जो कनेक्टिविटी के बिना है वो कितनी,
हालांकि 100 के कम है, 80 के करीब हमारी पंचायत है जहाँ पर कनेक्टिविटी की अभी थोड़ी कठिनाई है, पंचायत हेडक्वार्टर नहीं कनेक्ट हो पाए 3715 पंचायतों में। तो जब हमने उसका रीजन पूछा तो मालूम पड़ा कि एक तो फॉरेस्ट की क्लियरेंस का इशू है, दूसरा जो है वो टेरेन इतना टफ है, मुश्किल है, तो वहाँ अभी बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा समय लगेगा सड़क को पहुँचाने के लिए। तो फिर उसके बाद चर्चा के माध्यम से एक विषय निकला कि क्या ये संभव है कि हम रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी को जो है वहाँ पर करने की स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास तो संसाधन नहीं है। तो हमने तुरंत उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री जी को भी लिखा और निर्मला सीतारमण जी को भी लिखा, और दोनों से प्रधानमंत्री जी से मिलने का भी हुआ और फाइनेंस मिनिस्टर से भी हमारा मिलना हुआ। मिलकर के हमने आग्रह किया कि इसको बजट प्रोविजन के अंतर्गत केंद्र से डाला जाए, जहां सड़कें नहीं पहुंच रही हैं वहां सड़कें पहुंचाने में सुविधा होगी। सड़कें बढ़ने से पेड़ कटेंगे, फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को उसमें डैमेज होगा, पर्यावरण खराब होगा, तो ये बहुत सरलता से किया जा सकता है, सहजता से किया जा सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वित्त मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को हमारे स्वीकार किया और आज पूरे देश भर के लिए उसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज इसका जिक्र किया। दूसरा एक नया विषय जो है जो प्राकृतिक खेती का एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हमारे देश की आबादी का लगभग 90% जो है वो 80% के लगभग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है वो कृषक है, किसान है, और हिमाचल प्रदेश का तो 90% है। तो ऐसे में किसानों की आय दुगनी करना एक विषय, और दूसरा किसान जो है वो जो रसायन मुक्त जो है भोजन हासिल कर सके, तो इस दिशा में आगे बढ़, उसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू किया वो शुरू किया हमने एक कॉरिडोर जो है वो गंगा के साथ लगते हुए जितने भी प्रदेश हैं उसको बनाने के लिए उन्होंने आज उसमें घोषणा की है, इस बजट में उसका प्रावधान किया है। 25,000 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर, ये एक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है। और प्राकृतिक खेती में सबसे पहले अगर किसी प्रदेश ने इसको अपनाया और शुरुआत की, बजट में प्रोविजन किया, तो उसमें हिमाचल पहला है पूरे देश भर में। और मुझे इस बात की खुशी है कि इसको आगे बढ़ा करके उन्होंने एक प्रेजेंट किया। और उसमें सब दूसरा बात है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब से आई है अटल जी ने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया और 60,000 करोड़ के बजट के साथ उन्होंने शुरू किया था इस कॉन्सेप्ट को। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अटल जी हमारे बीच में नहीं है, उनको ये श्रेय जाता है। आज हिमाचल प्रदेश में अस्तित्व में आने के पश्चात टोटल रोड नेटवर्क जो है 38,000 किलोमीटर का है। 38,000 किलोमीटर में से उसमें 50% से 51% से ज्यादा जो है वो सिर्फ पीएमजीएसवाई का कंट्रीब्यूशन है। 51% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिर्फ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है। अगर पीएमजीएसवाई नहीं होती तो आज भी मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ लगभग 50% पंचायतें हमारी सड़क की कनेक्टिविटी के बिना होंगी। तो प्रधानमंत्री उस वक्त के अटल जी को ये श्रेय जाता है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया। और इसमें अब की बार सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है, उसमें जो इंक्रीज की है बजट में 36% इंक्रीज की है, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। और हिमाचल जैसे स्टेट के लिए तो पीएमजीएसवाई के माध्यम से जो है वो सड़कों को ऐसे भी गति मिली और उसमें और भी चीज़ों को लेकर के मिलेगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये बजट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो केंद्र ने प्रस्तुत किया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक स्पेशल ग्रांट का जो प्रोविजन रहता था वो 10,000 करोड़ का रहता था पहले, और स्पेशल असिस्टेंस के लिए जब हम आग्रह करते थे केंद्र के स्तर तो उसमें बहुत बड़ी कठिनाई आती थी मिलने से, उसको 10 times इंक्रीज किया है, 10,000 करोड़ से उसको 1,00,000 करोड़ किया गया है। और 1,00,000 करोड़ का मतलब है कि बहुत सारे प्रदेशों को सीधे तौर पर जो प्रोजेक्ट जो बना करके तैयार करने हैं उसमें वो सहयोग मिलेगा, और उस सहयोग के माध्यम से हम प्रदेश के विकास को और प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के दिशा में आगे बढ़कर के काम कर सकते। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के पैथोलॉजी विभाग में 84,20,000 रुपए की लागत से स्थापित हिस्टोपैथोलॉजी प्रयोगशाला का लोकार्पण किया।
उन्होंने बायोकेमिस्ट्री विभाग में 15 लाख रुपए की लागत से स्थापित ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर का लोकार्पण भी किया। इस सुविधा से एक घंटे में 360 फोटोमेट्रिक जांच तथा कोविड-19 मरीजों के बायोकेमिस्ट्री टेस्ट भी किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चिकित्सा महाविद्यालय के नेत्र विज्ञान विभाग में नेत्रदान केंद्र का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कुपोषित बच्चों के उपचार और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सा महाविद्यालय में पोषण पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने निष्पादन एजेंसियों को इस परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना इस वर्ष अगस्त माह तक पूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में करीब 250 बिस्तर और 7 ऑपरेशन थिएटर होंगे। उन्होंने इस परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।